भाई आज हम लोग जा रहे हैं रणथंभौर ऑलमोस्ट एक साल के बाद। लास्ट टाइम हम गए थे दिसंबर में हमने करीब 7-8 सफारीज करी थी, तो अभी एक साल बाद जा रहे हैं। मॉनसून सीजन है बट इन्होंने कुछ जोन्स खोल रखे हैं। लच्ची हमारा लक अच्छा होता है तो क्या लगता है आज साइटिंग होगी? साइटिंग हो जाएगी, साइटिंग पक्का होगी, तो गीदड़ वगैरह तो दिख ही जाएगा। और क्या देखना है? भालू देखना है? भालू पीछे बैठा है, भालू साथ लेके घूमते हैं। तो भाई रणथंभौर जाने के लिए कुछ चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो एडवांस बुकिंग बंद कर दी इन लोगों ने आजकल। करंट बुकिंग होती है, ध्यान रखना, आप प्री प्लान नहीं कर सकते हो। देयर आर एजेंट्स जिनको आप ये करने के लिए दे सकते हो, अदरवाइज SSOID आपको बना के वहां पे आप ये जाके बुकिंग करा सकते हो। हम लोग खुद ही कराते हैं वैसे बुकिंग्स, तो यू कैन टेल अस आल्सो इफ यू वांट टू बुक। आई कैन बी योर एजेंट, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। या वी वांटेड टू बुक ए जिप्सी एक्चुअली, बट हमें जिप्सी मिल नहीं पाई बिकॉज़ सुबह बहुत रश था बुकिंग कराते टाइम, तो हम लोगों ने कैंटर बुक करा है। जो लोग कभी गए नहीं है सफारी पे, कैंटर इज अ ट्रक काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें 20x20 सीटें होती हैं, एंड वो एक आपका मतलब सबको मिलके कराते हैं वो लोग सफारी। और जिप्सी का आपको पता ही होगा, जिप्सी में 5-6 लोग बैठ सकते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। तो जिप्सी इज ऑलवेज बेटर, बट अगर नहीं मिल रहा है तो कैंटर, यू कैन गो फॉर कैंटर। तो करंटली अगर कोई जाना चाह रहा है रणथंभौर, ट्राई फॉर Zone 6। हम लोग Zone 6 में जा रहे हैं लोग, और बाकी जोन्स भी अच्छे हैं। Zone 6 में यू विल गेट गुड साइटिंग। लास्ट टाइम हम गए थे तो हमें Zone 6 में 2 टाइगर दिखे थे, एक लेपर्ड दिखा था हमें, एक मतलब जो बहुत ही रेयरली दिखता है हाइना दिखा था, और बाकी जो डियर वियर तो हम काउंट ही नहीं करते। और Zone 10 में अगर आप जा रहे हो तो साइटिंग के चांसेस कम है, बट हमें एक बार Zone 10 में एक स्लॉथ बियर दिख चुका है, दैट इज क्वाइट रेयर। और Zone 10 में रहता है फतेह। फतेह इज सपोज टू बी द बिगेस्ट टाइगर इन रणथंभौर, तो फतेह अगर दिखता है तो आपका दिन बन। तो भाई पेट्रोल भरा लिया है, टंकी फुल कर ली है, कहीं भी निकलने से पहले टंकी फुल रहनी चाहिए, तो हमने टंकी फुल करा ली है। और मैं कह रहा था अगर Zone 10 में जाते हैं तो फतेह टाइगर दिखता है, अगर फतेह दिखता है तो इट इज़ द बेस्ट सेटिंग दैट यू कैन गेट। एंड हम लोग जयपुर से निकले हैं अभी, हमारे घर से सबसे पहले यू नीड टू गो टू द बुकिंग ऑफिस, तो हम लोग बुकिंग ऑफिस में अभी जा रहे हैं। शिल्पग्राम बुकिंग ऑफिस है, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ से आपको फिर वो फाइनल जो टिकट है वो इशू करके देंगे। और अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे साथ आ गया है कि हमने बुकिंग करी है जो, वी हैव नॉट टेकन अ प्रिंट आउट ऑफ दैट, सो दे नीड अ हार्ड कॉपी। आई डोंट नो, अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तभी हार्ड कॉपी क्यों मांग रहे हैं, बट देव सेट की चाहिए। तो आई थिंक हम जिस होटल में चेक इन करेंगे वहाँ से हम लोग एक हार्ड कॉपी निकलवाने का प्लान कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ समवेयर अराउंड 2-2.5 आवर्स टू रीच द बुकिंग ऑफिस, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेट्स कैच यू गाइस देन। ग्रीनरी बहुत है, बारिश होगी ना उस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ चले सर, गर्मियों में आ जाओ, आपका मन नहीं करेगा भैया आँख खोलने का भी। हाँ क्या बता रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ अभी बारिश होगी ना, मौसम सही हो गया, वरना गर्मियों में आँख खोलने का मन नहीं करता। राजस्थान है ये, क्या समझ रहे हो तुम राजस्थान? राजस्थान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, राजस्थान में बाढ़ भी आती है भैया, राजस्थान बहुत हरा भरा है, आओ घूमो राजस्थान में, इट्स अ गुड प्लेस। तो हम लोग की सफारी शुरू हो गई है, हम लोग कैंटर में कर रहे हैं आज सफारी, तो दीज गाइज हैव पिक्ड अस अप फ्रॉम द होटल, और इट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 3 PM बट ऑलरेडी इन्होंने लेट कर दिया है ये लोग, ऑलमोस्ट इन्होंने 3:30 कर दिए हैं। आई थिंक हम जब तक गेट में घुसेंगे तो 4:45 बज जाएंगे। तो अच्छा, तो हम लोग 6 Zone में सफारी कर रहे हैं, 1-5 क्लोज होता है मानसून के टाइम में, 6-10 ओपन है, 6-10 में 6 Zone की सफारी बेस्ट मानी जाती है। तो वी आर डूइंग इट इन 6, कैंटर में हम लोग जा रहे हैं। 6 Zone का जो एरिया है दैट गोज फ्रॉम द सिटी, तो हम लोग सिटी में से निकल, अब
अभी सिटी को देख के 1% भी शायद किसी को ना लगे कि हम लोग सीधा जंगल में घुसने वाले हैं या तो अभी हम लोग लेट हो गए हैं, बट लेट्स सी पहुंच रहे हैं हम लोग। और स्टार्टेड इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। बारिश बढ़ती जा रही है, वेदर इज़ क्वाइट गुड, बट एक ही चीज़ के लिए हम कंसर्न है, ज़्यादा बारिश ना हो जाए, हमारा कैमरा ना भीगे, एक्सेसरीज वगैरह ख़राब ना हो जाए। तो लेट्स होप बारिश हो बट बहुत ज़्यादा ना हो। बस यही होगा कि फिर हम घूम लेंगे अच्छे से, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, पिक्चर्स नहीं ले पाएंगे, कभी कभी वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ इम्पोर्टेंट होता है, बट मे बी यार ऐसा भी हो सकता है कि शायद बारिश ज़्यादा हो तो इनको कहीं साइड में लगानी पड़े, हम सफारी भी ना कर पाए, वो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग 6 जोन में आए थे, हमें काफ़ी कुछ दिखा था, आई होप इस बार भी बहुत अच्छे से निकले हमारा टाइम। कमिंग बैक टू द नेचर, इट फील्स लाइक आप एकदम नेचर के साथ में, तो इटसेल्फ एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ दिख जाए, यू नो इमेजिन लुकिंग एट द टाइगर, एंड वो टाइगर ऐसा कि इट कैन अटैक यू एनी टाइम, इट कैन किल यू, मतलब दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। जैसा आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जाम है, और स्पीति वाला पागल नाला तो आपको याद होगा, ये थोड़ा सा उसका छोटा भाई है, गया अभी। हमारा कैंटर खड़ा है, हमारी सफारी रुक गई है अभी के लिए, जिसका डर था वो हो चुका है, हमारा कैंटर बाहर खड़ा है और इतनी बारिश हो रही है, सब लोग अंदर है, सब लोग बारिश से बच रहे हैं, देखते हैं कब तक बारिश आती है, 15-20 मिनट आधा घंटा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तब तक वेट करते हैं हम लोग। तो भाई लोग फाइनली सफारी स्टार्ट हुई है, बारिश इतनी तेज थी कि सब जगह पानी भरा हुआ है, ये देखो रणथंभौर बनास्पीति, गॉड प्लीज नो नो नो, सबकी हालत खराब है, गाइस लुक एट दिस, गाइस लुक एट दिस, मुझे नहीं लगता अगर हमारा जिप्सी होती तो हम क्रॉस कर पाते, इट इज ओनली द कैंटर दैट इज अलाउइंग अस टू क्रॉस। लुक एट दैट वाटरफॉल, I think this is one of the reasons why they don't allow us to come in the monsoon area. Thanks. तो भाई vlogging की ऐसी तैसी हो गई है, photography की ऐसी तैसी हो गई है, only thing that you can enjoy right now is the rain. चलो ये भी नया एक्सपीरियंस है, 100 से ज़्यादा सफारी हम लोग कर चुके हैं, एंड This is the first time we are experiencing something. भाई बैठ जाओ ना यार। तो गाइस एक और छोटी नदी बह रही है, we are waiting. भाई ये रास्ता नहीं है, नदी है, दैट वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ, ये नदी है पूरी, इट इज नॉट अ रोड, यू कैन नॉट कॉल इट अ रोड। No one gives a shit about the moors right now. ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, बहुत मस्त, एक तो यार होटल का ब्रेकफास्ट तो सब खैर सबको पता ही, बहुत गजब का ब्रेकफास्ट था, मैंने पराठे खाए प्याज के, मैंने पूरी भाजी खाई, मैंने वाटरमेलन जूस पिया, मैंने पोहा खाया, मैंने बस इतना ही जगह दही खाया, तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। अभी हम लोग थोड़ा सा टहलने आए हैं, पचाने आए हैं खाना, प्रॉपर्टी दिखा देते हैं थोड़ी सी, प्रॉपर्टी इज क्वाइट गुड, दिस इज वन्य महल फ्रॉम रिजेंटा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग, अभी शायद कोविड के चलते रुक गया है, अदरवाइज थोड़ा सा इसको वैसा
हेरिटेज वाला लुक देने की कोशिश करी है इन्होंने। राजस्थान के होटल्स में देते हैं, तो किसी को शादी करवानी हो यहाँ पे, किसी को कोई आउटिंग करनी है, टीम आउटिंग करनी है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स इन रणथंबोर एंड इससे बड़े होटल्स हैं बट इस प्राइस रेंज में आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट होटल इन रणथंबोर। तो एवरेज 3-4 स्टार काइंड ऑफ होटल है एंड मतलब यू कैन डू योर आउटिंग्स हियर। बजट भी बता दो। सफारी का कल आपको बता ही दिया था कि भैया हमारी पूरी सफारी की ऐसी तैसी हो गई, सारी एक्सेसरीज भीग गई, कैमरा भीग गया, फ़ोन भीग गया, बड़ी मुश्किल से बचाया, हम नहीं बच पाए, हम भीग गए पूरा। और साइटिंग तो भूल जाओ, कुछ भी साइटिंग नहीं हो पाई और इसीलिए हमारा मूड ख़राब हो गया। हम लोग आज भी मौसम थोड़ा सा ऐसा ही क्लाउडी हो रहा है, इवन आज भी हम ट्राई नहीं कर रहे हैं सफारी का ना, हम कल जाएंगे सफारी, बस थोड़ी देर में होटल से चेकआउट करेंगे। अब पीछे आप देख रहे हो एक नाच रहा है थोड़ा सा, वो हम लाए थे घर से जो, तो हम सफारी ट्राई नहीं कर रहे, थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे, थोड़ा सा इन एंड आउट घूम के। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू चंबल, दिस घड़ियाल सेंचुरी। चंबल घड़ियाल सेंचुरी इज फेमस फॉर इंडियन एलिगेटर, मतलब कि घड़ियाल जो इंडिया में ही होते हैं, वर्ल्ड में शायद और कहीं नहीं मिलते, आई थिंक नहीं मिलते कहीं और, तो वहाँ की उनका कंजर्वेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम जाने का प्लान कर रहे थे, बट अगेन अगर बारिश होती है या पानी ज़्यादा है रिवर में तो आई थिंक वो बोट सफारी कराते हैं, वो भी नहीं हो पाएगी। तो मैंने तो आज के बाद कसम खा ली है, मानसून में मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं, मैं घर पे ही रहूँगा, घर पे एंजॉय करूँगा, रेन पकौड़े चाय खाओ, घर पे रहो, मानसून ख़त्म होने का वेट करो, क्यों भाई पहाड़ों में जाए तो लैंडस्लाइड, यहाँ पर आए तो बाढ़ आ रही है, सी शोर पे जा नहीं सकते, कहाँ पे जाएं, घर में बैठो, चाय पकौड़े खाओ, बारिश ख़त्म होने दो, फिर निकलो घूमने, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो या आई थिंक दिस इज़ इट, और थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे, अगर कुछ रूम और तो अच्छा दे देंगे, बट थोड़ा गंदा हो गया है अब हमारा रूम। हाँ, चेक इन करते टाइम दिखाना था यार। हाँ, रूम वाइज ओके, अच्छा रूम यार, अभी नए नए ब्लॉगर्स हैं हम यार, कंटेंट समझ नहीं आता है हमको अभी, धीरे धीरे आएगा। देखो वो देखो आप गिलहरी देख सकते हो, ये एक लकड़ी गिरी हुई है नीचे, लकड़ी देख सकते हो, ये फूल देख सकते हो, फूल पर भंवरा देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं आपसे। Ella quiere su rumba con